के रॉबिन हुड, रॉबिन हुड बंटे। चुलबुल की फुर्ती। दबंग हमेशा ही हिट मूवी रही है जिसे मेकर्स को हमेशा बजट से ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ। अगर हम शुरुआत से बात करें तो दबंग मूवी की फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी 42 करोड़ के बजट से और फिल्म ने डबल अमाउंट प्रॉफिट हासिल किया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उस टाइम 219 करोड़ था। वहीं अगर हम बात करें दबंग 2 और दबंग 3 की तो दोनों का ही बजट 68 करोड़ और 100 करोड़ था और दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छे अमाउंट का कलेक्शन कर लिया था जो था 230 टू 250 करोड़। अब फिल्म जितनी दबंग हिट हुई थी उतने ही उसके दूसरे पार्ट हिट नहीं हुए, तो ऐसे में मेकर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है फिल्म को हिट करने का। तो इस बार शायद बढ़ सकता है फिल्म का बजट 100 करोड़ से और राइज हो सकता है 200 करोड़ तक। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म में देखने को मिलेगी और जबरदस्त एक्शन सीन्स और आप सभी को नहीं लगेगी फिल्म में बोरियत, क्योंकि फिल्म में हो सकता है एक नए किरदार की भी एंट्री और फिल्म में उससे हो सकते हैं हाई लेवल VFX। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म में देखने को मिलेगी और जबरदस्त एक्शन सीन्स और आप सभी को नहीं लगेगी फिल्म बोरियत से भरी, क्योंकि फिल्म में हो सकता है एक नए किरदार की एंट्री और फिल्म में यूज हो सकते हैं हाई लेवल VFX जिससे स्टैंड्स और कलाकार बहुत ज्यादा मनमोहक लगेंगे। इस बार फिल्म की कहानी को नया ट्विस्ट और क्रिस्प लुक देने के लिए फिल्म की कहानी लिख रहे हैं तिग्मांशु धुलिया। जी हाँ दोस्तों, तिग्मांशु बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के जाने माने राइटर हैं, जिनकी कलम की अदाकारी से बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर का भविष्य निर्माण हुआ है। इन्होंने कई फिल्मों में राइटिंग के साथ साथ अपनी एक्टिंग से भी लोगों का दिल चुरा लिया, जैसे कि इन्होंने रामाधीर का किरदार निभाया था अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वसेपुर में। तो देखते हैं इस बार इनकी कहानी दबंग 4 को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी और इस बार मूवी में क्या नया देखने को मिलेगा जिससे भाईजान के किरदार को मिलेगी एक नई जान। दोस्तों आप सभी को पता है पिछले 3 सीक्वल से सलमान निभा रहे हैं पुलिसमैन का किरदार, लेकिन इस बार आएगा कहानी में एक ट्विस्ट। सलमान बनेंगे अब नेता। अब वो करप्ट नेता होंगे या मोदी भक्त ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिल्म में उनकी चुलबुली फुर्ती मेंटेन रहेगी या नहीं इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हमेशा फिल्म को हिट तो उनका चुलबुल किरदार ही बनाता था। अगर नहीं हुए एक्टिव चुलबुल फिल्म में तो देखना ये भी मजेदार होगा कि उनकी जगह इस बार कौन छीनेगा ऑडियंस का टेंशन। देखते हैं इस बार मेकर्स ने चुलबुल को किस अवतार में उतारा है। अब यहाँ से यही होगी मेकर्स की बहुत बड़ी गलती। अगर पता चले मूवी देखकर कि मूवी को देखिएगा जरूर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अलविदा।